दिकू जाइए उड़ दी कू जाइए आज ढोला मिल पवे वड़े जोर दी मुँह जाइए जी। नाजरीन तो साढ़े थे पवे पांधी टुरदा जुल नवाज शहीन दा एक बेहतरीन प्रोग्राम पांधी टुरदा जुल। आज असा टुरदे अलूदे आली चौक पहुंचे हैं। इतना एक मशहूर गुलकारन बेहतरीन फनकारन सराकी दी पहचानन और बहु ऐसी अजीम हस्ती है हाजी सजाद हुसैन साकी साहब। आज इन्हें नाल तुहाडी मुलाकात कर रहे हैं, चंद सवाल पूछते हैं इन्हें कने। हाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सही वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहु। असा पूछना चाहसू कि तुहाडी पैदाइश कित्थे थई आई? सब तो पहले तो मैं नवाज शहीन दा शुक्रगुजार हाँ जो उन्हें कीमती वक्त चो अपना टाइम दिते ने, उन्होंने मेहरबानी है खान साहब की। मैं अलहमदुल्ला जिला मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान सराइकी वर्ल्ड जितनी भी है अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तुसा बिरावें दे दुआई दा सदका अल्लाह ताला ने ना दिता। मेरी पैदाइश जड़ी है वह है चौक आलूदे वाली जिला मुजफ्फरगढ़ पंजाब जनूबी पंजाब की। अच्छा साकी साहब तुसा अपनी इब्तदाई तालीम कित्थों हासिल की है? जी अलहमदुल्ला आलूदे वाली मिडिल स्कूल है पिया। मैं अपनी तालीम जी मिडिल स्कूल आलूदे वाली की है। तुसा कितने भेण बिरा हुए? अस अलहमदुल्ला पांच बिरा हैं सें, चार हमसी रहन साड़िया ते अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला सारे माशाल्लाह आप तफा के खुश हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत खुशी वाली गल है सही। ये तो आपको गुलकारी का शौक कि मैं शुरू थी गया तुसा तो बलोच खानदान नाल ताल्लुक रखते हुए एक बहुत वड्डी अनाल ही कौम है। जी जी अलहमदुल्ला से ये शौक जड़ा है ना सही, शौक कहीं का भी थी सकते बलोच है कोई है सैया दिन माशाल्लाह शौक कोई भी होवे अपना बचपन तो बंदा शौक रखते जड़ा वो अपना हासिल करें दे। अलहमदुल्ला सा अपना बचपन तो शौक रखा। मैं अम्मा अबे को आख्या मैं क्या मैं गुलकार बन सा तो अलहमदुल्ला उन्हें भी उन्हें मैं कह जब तक अम्मा अब्बा मे को इजाजत ना दे सन वो तक मैं गुलकार ना बन सकता तो ना बन सा। उन्हें इजाजत की दम अलहमदुल्ला उ गुपांग बलोच आया सा तो उन्होंने इजाजत के नाल मैं सिंगिंग शुरू की। ये तो सही ऐसा समझते हैं बलोच कौम की ताड़ वन जी ठान किन्ने कर के रही है माशाल्लाह। इवें गल सी गुलकारी के हवाले नाल तुसा कोई अपना उस्ताद चुनिया हो सी उस्ताद दा नाम दसो? जी हाँ उन्हें मेरे उस्ताद मोहतरम दुनिया तो टुर गए अल्लाह उन्हें कब्र रोशन रखे तो उन्होंने मेरे उस्ताद हैं इतों के आलूदे वाली के नाल एक छोटा जहा कस्बा कार लैन हुसैन बस कलू वो मेरे उस्ताद शकरी हैं बे मेरे उस्ताद पिंडी दिन से उन्हें पिंडी वाले उस्ताद साहब का क्या नाम है? गुलाम हैदर खान उस्ताद गुलाम नबी जनाब गुलाम हुसैन कैसर साहब वो मेरे उस्ताद हैं से। अच्छा रेडियो ते प्रोग्राम करन दा कितनी दफ़ा मौका मिला? अलहमदुल्ला रेडियो दे तो असा बिरावें दे दुआई दा सदका रेडियो ते मैं डबल ए क्लास आमी मैं मुल्तान डबल ए क्लास की है बहावलपुर भी प्रोग्राम किए रेडियो ते लाहौर भी रेडियो ते प्रोग्राम किए अलहमदुल्ला। अच्छा केड़े केड़े शौरा अकराम दा कलाम तुसा गांदे वे और गा चुके वे? माशाल्लाह शायर तो काफ़ी हैं सैफुल खां सैफल जनाब नाजर खां जिस्कानी जान मोहम्मद जानी अपना अफजल खान बुल्ला यानी काफ़ी शायर हैं अलहमदुल्ला जड़े मकसद मैं जिन्हें दा कलाम मुख्तलिफ शायर हैं। माशाल्लाह तुसा कितनी दफ़ा अवार्ड हासिल कर चुके वे? अलहमदुल्ला तुहाडी दुआ दा सदका गणक नूं बेशुमार अवार्ड हासिल कीते। तुसा कई फिल्म या ड्रामे च भी काम कीते? नहीं पहले थिएटर च काम करेंदे असे मेले होने ना से मेले होने उत्थां थिएटर लगदे हन इलाही बस ड्रामा पार्टी है अला बस के गामा ने उंदे विच ड्रामे च काम कीते से ओपन यानी बराह रास्त कीते से प्रोग्राम ते एडे ड्रामे बिन्ने च काम कहनी कीता जिवें फिल्म इंडस्ट्री तो दूर ही है वे। माशाल्लाह अच्छा बिरौन मुल्क कितनी दफ़ा प्रोग्राम करने का चांस मिले? बिरौन मुल्क सही पहले शुरू करो ना सही इंडिया गया वाल मैं दुबई गया सही
सऊदी भी गियाँ, प्रोग्राम किते से सऊदी भी किते से हुए तो मैं न करे नाम दोस्त की मजबूरी आई उन्हें आगे जी कह ना सकू प्रोग्राम सुनवाओ और किते से प्रोग्राम अलहमदुल्ला त्रै चार मुल्क गए से। अच्छा हूँ अजकल लॉकडाउन चलता पे, लॉकडाउन की वजह कने प्रोग्राम बंद हैं, इंदे उत्ते क्या तुहाडी जिंदगी ते कोई असर पे? सही बहुत सारा असर ई पे, बल्कि लॉकडाउन पहले बाद चाहे पहले साउंड एक्टिव शुरू थे, भी साउंड ते पाबंदी थी है उतों केर एक गुलकार नाल माशाल्लाह 8-10 बंदे होने 15 बंदे होने उन्हें 15 बंदे दे बच्चे कम अज कम 100 बंदे दा 150 बंदे दा रोजी रोटी जी रिहाई वो पहले साउंड साउंड एक्टिव थे उन तो बाद लॉकडाउन थे तो वो असर तो पौने से आकर रोजी दिया। अच्छा वीसीआर खत्म थी गया, सीडी खत्म थी गई, टीवी खत्म थी गई, रेडियो खत्म थी गया, आज ऐसा ऐसा ये चीज़ा सारे खत्म थी जाने हूँ मोबाइल के अंदर हर शे आ गई है, क्या इंदे नाल फनकार को फायदा था या नुकसान था? इंदे च इवें पहले ऑडियो कैसटा होने वाले वीडियो आ गया, वीडियो तो खत्म थिया तो अपना नेट आ गया, जल्द नेट आए इन को फनकार को कोई बेनिफिट नहीं मिलिया, मकसद यूट्यूब या नेट तो पहले ऑडियो कैसटा तो ठीक पब्लिसिटी थी आई बहुत अच्छा पैसे भी मिलते हैं रोजी भी चंगी बनती आई जदन का नेट आए ये माशाल्लाह जे कंपनियां वगैरह तो पैसे कमाने पेन यूट्यूब तो लेकिन असा को असा भी कमाने बस दाल रोटी जेला थी वेंदी है अलहमदुल्ला भाई ज्यादा इतनी पहले को चस्क है नहीं। अच्छा जिंदगी का कोई ऐसा यादगार लम्हा जल्ले मौसी की तो सब हूँ खुश थे हो वो कुछ थोड़ा क्या सारे नाल भी शेयर करो आवाम को भी रसो जी अलहमदुल्ला बस आवाम दे ते बिरावे जे दवाई दा सदका भाई मैं को जेड़ा भी केसर किते उन्दे विचो कोई ना कोई गीत लाजमन हिट थे ता अलहमदुल्ला काफ़ी सारे गीत हैं जेड़े हिट थे वो मेरे को पता ही कहने भी हजारों की तादाद तक गीत हैं जी हाँ मैं बिरावे जे दवाई सही असा तो कई शक हैं। अच्छा जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा भी आए कि जल्ले तो सा गुलकारी कने उगता गए हो तो सा सोचा होवे कि असा कोई बिया काम कर गिनू या कहीं बे शोबे नाल तो सा वाबस्ता होवो? नहीं बस सिंगिंग के बगैर भी आ कोई काम करने की था सर, गुलकारी के बगैर कोई काम नहीं की था। आजकल कहीं नवे गाने की तैयारी करें दे पवे जिया नवे गाने की तैयारी करें दा पिया ओ तो आपको सुनवे ना ता ओ है इवें ता तलब जी दस देवा वे आ सुनावा ढोला ते को पिछली रात दा ख्वाब है इंदी इंशाल्लाह तैयारी करें दे पैसे ओ ख्वाब वाला ख्याल सुनवे सु इंशाल्लाह एक ख्वाब वाले सिर्फ सा को दू मिसरे में गुनगुना के सुनाओ चा चलो सुनवे ना सही हो आ सुनावा ढोला ते को पिछली रात दखाबे क्या किस आ सुनावा ढोला ते को पिछली रात दखाबे माशाल्लाह बहुत अच्छा गीत है बिरा सुन सन और मजा आसी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आसी है गीत आ सुनावा ढोला ते को पिछली रात दखाबे तेडे गम च पींदे रहया तेडे गम च पींदे रहया असा रज रज यार शराबे आ सुनावा ढोला ते को पिछली रात दखाबे। अच्छा सी साकी साहब तो को केड़ी गाल ते गुस्सा आंदे? असा अलहमदुल्ला गुस्सा तो हर बंदे च है लेकिन जेड़ा साडा शोभा है इंदे च असा लोकां को खुश करेने असा गुस्सा नहीं करेंदे असा जितनी बिरा होनन उन्हें जेड़ी जेड़ी फरमाइशी आकन असा कदे गुस्सा नहीं किता मलंग लोक हैं गुस्सा करते क्या करने तो ऑडियो वीडियो कितना कैस्टा रिलीज थी चुके हैं? ऑडियो वीडियो काफ़ी मैं को इतनी उन्हें जहन ते कहनी कम अज कम मेरी 88 तो पहला कैसेट आया ऑडियो 88 तो उन तो बाद ऑडियो का दौर खत्म किया वीडियो आ गया ऑडियो का अनगिनत वीडियो भी अनगिनत उन्हें तादाद का पता नहीं। 88 का पहला गीत केड़ा गाँव है हवे? पहला गीत है बाह नप लैटोर मेरे नाल ते सारिये लोकां नू क्या बात है
ਸਾਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਤਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਸੁਣਵੇ ਸੋ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮੁਖਾਤਬ ਥੇ ਬੇਵਸਤੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਖਿਸ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣਵੇ ਸਾਂ ਮੁਖੜਾ ਯਾਰੀ ਜਿੱਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਯਾਰੀ ਜਿੱਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਜੇ ਤੈਂ ਗੋਲ ਗਿੱਧੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਜੇ ਤੈਂ ਗੋਲ ਗਿੱਧੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਯਾਰੀ ਜਿੱਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰੇ ਸੇ ਹਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜੀ ਆ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਅਮੀ ਬਸ ਵਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਥਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਸੇ ਭਲਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਖੇਲ ਸੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੇਲ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਂਦੇ ਦੀ ਰੇਸ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੁਮਾ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਲ ਦੇਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੱਕੇ ਖੇਲ ਸਭ ਪਸੰਦ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਬੈਸ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮਾਰੂਮ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮਾ ਸਾਇਨ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਦੇਖਣ ਕੋ ਆਈ ਹੈ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਬੜਾ ਆਖੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸਾਂ ਕੁਆਟੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡੀ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਸਾਂ ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦਾ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਾਇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛਾ ਠੀਕ ਗਏ ਸੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਪਹਿਨਾ ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਖਿੱਤਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਏ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਆ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਾਵਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਬਾਦ ਰਾਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜਾਦ ਸਾਕੀ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬਰਹੱਕ ਹੈ ਮੌਤ ਹਰ ਕਈ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜੋ ਵੰਜੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਬਹੁ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ਹੀਨ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਨ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਸੂ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਨ ਨਾ ਸਹੀ ਇਤਨੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਹਰ ਕਈ ਕੋ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ